हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक लिए हैं। VVI कह सकते हैं आप, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें दो लॉ को हम लिए हैं एक साथ, जैसे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक नंबर में लिए हैं और दूसरा लिए हैं लेंज़ लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हम नंबर वन वाला फैराडेज लॉ को बताते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है टू लॉज, और कुछ बुक्स एक ही लॉ मतलब लिखता है जिसमें ए बी न दे के पूरा लिख देता है एक ही लॉ में। वैसा भी किया जा सकता है, मतलब आप ए और बी न दे के टू लॉज नहीं लिख के एक ही लॉ मतलब जो आप फैराडे लॉ लिख के और ये आप लिख सकते हैं। अच्छा, तो देखा जाए हम जो यहाँ लिखे हैं टू लॉज, पहला लॉ क्या है कि मान लीजिए कोई एक क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप है। कंडक्टिंग इसलिए कि उसमें करंट बहना चाहिए, ऐसा कंडक्टर होना चाहिए। मान लीजिए एक कंडक्टिंग क्लोज्ड लूप में अगर फील्ड लाइंस उसके अंदर में बदलता है, फील्ड लाइंस का मतलब फ्लक्स बदलता है, तो क्या होता है उस ये लूप में एक EMF इंड्यूस हो जाता है। EMF और ये EMF तब तक रहता है जब तक कि लूप के अंदर में फ्लक्स या फील्ड लाइंस चेंज करता रहे। जैसे ही चेंज करना स्टॉप हुआ, EMF भी गायब हो गया, ऐसे समझिए। और दूसरा लॉ उसका क्वांटिटेटिव मतलब वैल्यू देता है। क्या देता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स या फील्ड लाइन्स थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज्ड लूप इंड्यूसेज एन EMF इन द लूप गिवन बाय इतना ई बराबर ई मतलब ये हुआ EMF वाला ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बटे डी टी। ये तो राइट साइड में देखिए, फाइव बी तो मैग्नेटिक फ्लक्स है, रेट ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड EMF। तो वही कहने का यहां लिखा गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द लूप, मैंने जितना एरिया को लूप घेरे हुए है उसके अंदर में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वह बराबर होता है इंड्यूस्ड EMF का। तो ई तो मैंने एक टर्न के लिए बताया, अगर मान लीजिए लूप में एन टर्न्स है तो हर एक टर्न के साथ तो उतना ही चेंज होगा यानी फ्लक्स का। इसलिए इसका फाइनल फार्मूला हम लोग लिखते हैं इंड्यूस्ड EMF इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बी बटे डी टी, मैंने इस साइड एन से मल्टीप्लाई कर दिए। और इसको एन को आप अंदर भी दे सकते हैं, माइनस डी डी टी ऑफ एन फाइव बी। तो यही एक्चुअली मैथमेटिकल फॉर्म हुआ फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन का। अच्छा, इसमें देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि एक माइनस साइन दिया गया है। तो ये माइनस साइन क्या होता है, तो EMF का
ईएमएफ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यानी पैदा किया गया है फ्लक्स चेंज के कारण। तो कहने का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में ये ईएमएफ इंड्यूस करेगा, लेकिन ये डायरेक्शन जो है हमको लेंज लॉ से पता चलेगा या उससे ठीक से समझ में आएगा, लेंज लॉ से, जो हम आगे आपको बताएंगे। हाँ देखिए, फ्लक्स का फॉर्मूला तो होता है बी इंटू ए, बी इंटू ए, और वो होता है डॉट प्रोडक्ट, यानी आप फ्लक्स लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। तो इसका मतलब फ्लक्स जो डिपेंड करता है मैंने बी पर भी, एरिया ऑफ द लूप ए पर भी, एन एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर एरिया ए। बात समझ में आ रही है? फ्लक्स बराबर होता है फाइ बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, तीन टर्म है। इसका मतलब फ्लक्स जो चेंज होगा तीनों में से कोई भी अगर चेंज हुआ, या दो हुआ या तीनों हुआ, तो फ्लक्स चेंज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कौन कौन वो टर्म है? एक तो है बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड आप चेंज करके फ्लक्स बदल सकते हैं। एरिया को, लूप का एरिया चेंज करके आप फ्लक्स बदल सकते हैं। और थीटा, थीटा क्या है? वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का जो एंगल है वो भी बदलने से फ्लक्स बदल जाएगा क्लियरली, क्योंकि फाइ बी बराबर होता है बी ए कॉस थीटा, या तो कोई एक या दो या तीनों बदलने से फ्लक्स बदलेगा, इसको याद रखिएगा। एरिया बदलने का मतलब थोड़ा बताते हैं, जैसे कोई एरिया माने मान लीजिए फ्लक्स अस्थिर ही है, कांस्टेंट फ्लक्स है मान लिया जाए, और एरिया जो है एक्सपेंड कर गया तो बदला कि नहीं, या श्रिंक करके छोटा हो गया जो था पहले, तो एरिया बदला। अब मैग्नेटिक फील्ड तो जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बदलना, और थीटा, थीटा कहने का मतलब क्वाइल का ओरिएंटेशन, जैसे थीटा तो है एंगल बी और ए के बीच का, तो ए मन प्लेन एरिया अगर क्वाइल का है, ये तो रेक्टेंगुलर है मान लीजिए गोल क्वाइल, तो वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल की ओर होता है, पहले भी बताया गया है, तो वही आउटवर्ड नॉर्मल एरिया वेक्टर और मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल ये थीटा है। तो कहने का मतलब कि क्वाइल का ओरिएंटेशन अगर बदला तो एरिया वेक्टर जो है वो चेंज करेगा, अब बी मान लीजिए वहीं पर वो डायरेक्शन में है, तो कहने का मतलब चेंज होगा, यानी थीटा ओरिएंटेशन ऑफ मतलब एरिया वेक्टर को इंडिकेट करता है कि भाई एरिया वेक्टर बी मैग्नेटिक फील्ड से किस एंगल पर है। तो इसलिए ये तीनों आइटम अगर में से कोई एक या कोई दो या तीनों चेंज करे बी ए और थीटा, देन फ्लक्स विल चेंज। और फ्लक्स चेंज करने का मतलब फैराडे बोलता है कि तब उस क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो यही है आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत क्लियर है मैं समझता हूँ। अच्छा, अब आइए दूसरा लेंज़ लॉ। वहाँ पर कहा था ना कि ये माइनस साइन जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड का डायरेक्शन बताता है, जो डायरेक्शन कि हम लोग लेंज लॉ से निकाल सकते हैं। तो अब लेंज लॉ जान लीजिए क्या है, देखिए ठीक से।
पहले इस फोटो को मैं समझाता हूँ। फोटो समझिए तो सब समझ जाइएगा। देखिए ये जैसा हम बता रहे हैं ऐसा एक क्वाइल है गोल, और बीचों बीच काट के, हाँ उस क्वाइल में मान लीजिए करंट जो है ऐसे बहता है, ऐसे मन हम जो देखते हैं आगे की क्लॉकवाइज करंट बहता है, इसीलिए नीचे में अंदर घुसा और ऐसे घूम के ऊपर से निकला। देखिए खाली पॉइंट है यानी निकला, आई क्रॉस है यानी घुसा। तो करंट कैरिंग क्वाइल मान लीजिए है और उसको आप मैंने काट के अगला पोर्शन जो आपके साइड से है हटा दीजिए, तो इसी टाइप का फोटो बनेगा। यानी इस पर जब हम बोर्ड पर बनाएंगे तो इसी टाइप का, यानी करंट अंदर से घुसा और क्वाइल में घूम के यहाँ मान लीजिए निकला, ये स्पष्ट दिखाई देता है। हाँ तो अब देखिए इस फोटो को समझा दिया, ये क्रॉस डॉट क्या है। अब आगे देखिए कहता है लेंज लॉ क्या कहता है कि द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, माने जो ईएमएफ इस क्वाइल में इंड्यूस होगा जनरेट होगा पैदा होगा ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स, उसमें हाई मतलब जो पोटेंशियल किधर होगा। तो कहता है कि पोलैरिटी जो है द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस ए करेंट व्हिच ऑपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक व्हिच ऑपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट। ठीक से समझिए फिर मैं बताता हूं क्या कहता है। कहता है कि जो मान लीजिए फ्लक्स चेंज कर रहा है तो ऐसा डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस करेगा। पहले समझिए फ्लक्स चेंज कर रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो इंड्यूस होगा किस डायरेक्शन में, तो एक ऐसा डायरेक्शन में इंड्यूस होगा जो ऐसा करंट बहाएगा कि वह अपोज करे उस फ्लक्स का जो चेंज को अपोज करे। यानी फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो करंट उसको घटाने का कोशिश करेगा, अपोज तो यही हुआ, या फ्लक्स घट रहा है क्वाइल के अंदर में तो करंट जो है उसको बढ़ाएगा, यही हुआ अपोज करना। इसलिए यहाँ लिखा गया है द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस ए करंट व्हिच अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट। वही मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज करता है वही ना मतलब आपको ईएमएफ इंड्यूस करता है और करंट बहता है। कहता करंट ऐसा डायरेक्शन में बहना शुरू हो जाएगा कि जो फ्लक्स के कारण ये करंट पैदा हुआ है इंड्यूस हुआ उसको ही ये अपोज करेगा। तो यहाँ देखिए फोटो में अब मैं समझा रहा हूँ, आप तो इस क्वाइल वाला पॉइंट समझ गए। देखिए मान लीजिए ये बार मैग्नेट कैसे चेंज करेगा फ्लक्स, तो पहले भी शायद दिए हैं इस टॉपिक के पहले कि मान लीजिए एन पोल इधर आप लाते हैं तो फ्लक्स इसमें बढ़ेगा क्योंकि यहाँ ज़्यादा डेंसिटी है फ्लक्स का। मैग्नेट के बारे में मैं कह रहा हूँ, मैग्नेट के बारे में कि यहाँ ऐसा ऐसा फील्ड लाइंस है मैग्नेट का,
कहने का मतलब जो ही एन पोल इधर की ओर आएगा क्वाइल की ओर, त्यों त्यों फ्लक्स बढ़ते चलेगा। अब फ्लक्स अगर बढ़ा तो आप ये लेंज क्या बोलता है, लेंज बोलता है कि एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ऐसा करंट बहेगा कि उस फ्लक्स का उल्टा काम हो। तो करंट ऐसे बहेगा तब ना, मान लीजिए फ्लक्स बढ़ रहा है कॉइल में, उसको घटाना है, तो इसका मतलब करंट जो है कॉइल में ऐसे हमारे साइड से क्लॉकवाइज बढ़ना चाहिए, ताकि मैग्नेटिक फील्ड उधर होगा, यानी फ्लक्स इस डायरेक्शन में, समझिए डायरेक्शन तो नहीं होता है लेकिन ऐसा समझिए इधर फ्लक्स निकलेगा, यानी अपोज करेगा। और जिधर से फील्ड लाइन्स या फ्लक्स निकलता है उसको आप एन कहते हैं। यानी क्वाइल तो आप जानते हैं कि एक बार मैग्नेट है, तो कहने का मतलब कि इस क्वाइल को, करंट क्वाइल को आप समझते हैं, समझ सकते हैं कि ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट। और फ्लक्स को जो अपोज कर रहा है ये करंट, इसलिए इस साइड में नॉर्थ और इस साइड में साउथ, इसीलिए क्वाइल में ई पार्ट में ई फेस नॉर्थ और ये फेस साउथ, माने जस्ट बार मैग्नेट में कि ये नॉर्थ और ये साउथ, क्योंकि क्वाइल तो एक बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट होता है। तो आप देख रहे हैं कि नहीं, इधर भी एन और इधर भी एन, तो जब दोनों एन एक साइड में रहेगा तो अपोज करेगा। कहने का मतलब ये क्वाइल में जो करंट बह रहा है वह नॉर्थ पोल पैदा कर देगा इस फेस पर, क्योंकि नॉर्थ पोल यहाँ है, इसीलिए उसको रिपेल करने के लिए। तो ये तो बात हुई कि जब आपको ये बार मैग्नेट का एन पोल इधर आता है, माने मोशन ऐसे है, जब जब इसी मैग्नेट को आप उधर ले जाइएगा, क्लियरली इसमें क्या होगा, घटेगा फील्ड लाइन्स या फ्लक्स घटेगा। इधर लाए थे तो बढ़ा था, आ उधर लाइएगा, उधर ले जाइएगा मैग्नेट को, तो फ्लक्स घटेगा, घटेगा कि तुरंत ये बढ़ाने का कोशिश करेगा, तो कैसे बढ़ेगा, तो ई साइड उस समय हो जाएगा साउथ और ईस्ट साइड हो जाएगा नॉर्थ। यानी आप ले जा रहे हैं मैग्नेट को उधर, आइए कॉइल खींच रहा, ऐसा करंट पैदा हो गया, को अट्रैक्ट करना शुरू किया, इस केस में रिपेल करना क्या था एन एन, अब बन जाएगा ई, जब उधर ले जाएगा तो ई साइड बन जाएगा साउथ, ई साइड बन जाएगा नॉर्थ, यानी अब खींच रहा, यानी आप जो भी एक्शन लीजिएगा उसको अपोज करेगा, ऐसा करंट ऐसा ई एम एफ पैदा होगा, यही कहने का मतलब है। अच्छा, अब यही लेंज लॉ है, इसलिए देखिए हाँ एक बात और कि मान लीजिए ये क्वाइल जो है कटा हुआ हो एक जगह, यानी करंट तो नहीं पास करेगा, क्योंकि करंट के लिए तो रास्ता चाहिए। मान लीजिए क्वाइल है लेकिन वो कहीं कटा हुआ है थोड़ा दूर तक, मान लीजिए थोड़ा दूर तक कटा हुआ है, तो आई फ्लक्स चेंज कर रहा है, तब क्या होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जैसा कि आप सोचते हैं। मान लीजिए क्वाइल कंटिन्यूअस रहता तो, लेकिन करंट नहीं बहेगा, यही चीज ध्यान में रखिएगा। हाँ, अब देखिए लेंज़'स लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कहने का मतलब क्वेश्चन भी जो पूछा जाता है कि लेंज लॉ को स्टेट करिए और ये बताइए कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी लेंज लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का
प्रिंसिपल फॉलो करेगा। कैसे? आप देखिए, यही वाला कंडीशन में देखिए, जब आप मैग्नेट को इधर लाते हैं एन पोल, तो ई साइड हो जाता है एन और ई साइड हो जाता है एस। तो इसका मतलब क्वाइल उसको ठेलेगा, रिपेल करेगा और आपको लाना है इधर। तो इसलिए आपको वर्क करिएगा तब वो आएगा मैग्नेट इधर। तो वो वर्क जो है वो कहाँ से मतलब आएगा? तो वो जो आदमी इसको ठेलेगा उसका एनर्जी खर्च होगा, और वह एनर्जी गया कहाँ? मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और हम इधर साइड में क्वाइल है, तो वो जो इधर लाएगा तो उसको जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी ई नॉर्थ पोल है, इधर नॉर्थ पोल क्वाइल में पैदा हो गया उसको अपोज करने के लिए। तो जोर लगा के लाएगा, यानी जो आदमी लाएगा उसको वैसा पर्सन को वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करेगा तो पर्सन का एनर्जी खर्चा होगा वर्क करने में। तो कहाँ एनर्जी जा रहा है? तो वह एनर्जी इसी क्वाइल में हीट के, जूल हीट के रूप में पैदा होता है। क्वाइल एकदम गर्म हो जाएगा, हीट निकलना शुरू हो जाएगा। कहाँ से आया हीट? तो वो जो मैकेनिकल वर्क किया उसको लाने में पर्सन, वही वर्क जो है हीट के रूप में क्वाइल में बिल्कुल उतना ही जूल बदल जाएगा, यानी जूल हीटिंग में वो यूज हो जाएगा, यानी यूज क्या होगा, डिसिपेट होगा, बर्बाद हो जाएगा। जो वर्क मैग्नेट को लाने में इधर किया जाता है उसमें जो एनर्जी खर्चा होता है, वह एनर्जी क्वाइल में जूल हीट के रूप में प्रकट होगा आपको। तो ये पता चलता है बिल्कुल उतना ही, जितना आप वर्क करेंगे उतना ही जूल हीट भी निकलेगा। तो कहने का मतलब, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, एकदम लेंज लॉ। तो हम समझते हैं आप समझ गए हैं, बिल्कुल फॉलो करता है। अच्छा देख लीजिए, यहाँ मैंने क्या लिखा है वो भी एक बार पढ़ के सुना देते हैं। इन पुशिंग बार मैग्नेट टुवार्ड्स द लूप, माने इधर, द मैग्नेट एक्सपीरियंस ए रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू द इंड्यूस्ड करंट। इधर जो लाया फ्लक्स चेंज किया, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट बहना शुरू हुआ, करंट ऐसा डायरेक्शन में बह रहा है कि इधर हो गया नॉर्थ पोल, इधर हो गया साउथ पोल, तो यानी अपोज होगा, वही कहता है। देयरफॉर ए पर्सन हैज टू डू वर्क इन मूविंग द मैग्नेट, यानी आप मैग्नेट को आसानी से नहीं, जैसे मैं ई डंडा को कुछो फोर्स नहीं है तो जिधर मन उधर ठेल देते हैं, लेकिन कोई उधर से अगर इसको ठेले तो हमको भी बड़ा जोर लगाना पड़ेगा, यानी वर्क करना पड़ेगा, मेरा एनर्जी खर्चा होगा इसको ठेलने में। तो वही हाल हो रहा है, तो वही कहता है, द एनर्जी स्पेंट बाय द पर्सन इन डूइंग दिस वर्क इज डिसिपेटेड, मतलब बर्बाद हो जाता है बाय जूल हीटिंग प्रोड्यूस्ड बाय द इंड्यूस्ड करंट। चूंकि क्वाइल में करंट कंडक्टर में बह रहा है तो हीटिंग होगा ही, जूल हीटिंग, तो करंट तो पैदा यही किया है जो इधर आ रहा है लेके पर्सन, भले ही उसको वर्क करना पड़ रहा है, तो वो जो एनर्जी खर्चा हो रहा है वही जूल हीट के बराबर होगा क्वाइल में। तो यानी 10 वी कैन से दैट लेंस लॉ इज द एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत ही अच्छा मतलब एग्जाम्पल है एनर्जी कंजर्वेशन का, कि भाई मैकेनिकल वर्क करिएगा तो उतना ही हीट निकलेगा दूसरा फॉर्म का एनर्जी, यानी एनर्जी बर्बाद नहीं होगा, कंजर्व होगा, सुरक्षित रहेगा, संरक्षित कहिए, सुरक्षित नहीं,
संरक्षित, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, संरक्षित रहेगा एनर्जी। यही है आपका फैराडे लॉ और लेंस लॉ, दोनों लॉ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आप ठीक से इसको पढ़िएगा, समझिएगा और एग्जाम में ज़्यादा उम्मीद रहता है आने का। अच्छा, अब आपको अगर पसंद हुआ तो आप लाइक कर देंगे, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा ताकि और वीडियो आपके पास जाता रहेगा, और दूसरे को मदद करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह से आप उनको भेज दीजिए, उनकी भी पढ़ाई चलती रहेगी बढ़िया से। दैट्स ऑल, थैंक यू।